ओम शांति के बाद दादी जी को पटना का निमंत्रण मिला। जालान बाबू ने बाबा से मांगनी किया कि मुझे कुमारका चाहिए। बाबा ने भी भेज दिया, क्योंकि वो जालान बाबू कोई छोटी हस्ती नहीं थे, बहुत बड़ी हस्ती थी। और उनके महल राजाओं जैसे थे, रियासत के बड़े जब थे। तो दादी जी को बाबा ने भेजा, जाओ वहाँ पटना की सेवा शुरू करो। उनके यहाँ बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी थी, बहुत ठाट से रहना होता था और बहुत सम्मान से रखते थे दादी जी को। तो जैसे देखा जाए कि उन दिनों में यज्ञ के अंदर एक बेगरी पार्ट चल रहा था। दादी ने ऐसे शौक से रहने वाले, ऐशो आराम से रहने वाले सुख साधनों को त्याग दिया। दादी को लगा कि यहाँ रह करके मैं क्या सेवा करूँगी, मुझे तो बेहद की सेवा करनी है, क्यों एक व्यक्ति की सेवा के आदेश में थोड़ी चलना है। तो दादी ने इतने वैभव को त्याग करके और वहाँ से निकल आई कि बाबा मुझे तो बहुत बड़ी बेहद की सेवा करनी है। फिर दादी जब पटना में थी तो एक बार कानपुर आई। जब कानपुर दादी जी आई तो मुझे अच्छे से याद है कि गंगे दादी और दादी प्रकाशमणि जो जो सेवाएं की थी, फाउंडेशन लगाया था, दादी सेवा में जाती थी और रिक्शे पर जाती थी। गंगे दादी सब जगह मिलाने ले जाती थी कि हमारी वो बहन फिर आ गई है दादी प्रकाशमणि को। तो क्या हुआ था, रिक्शे में दोनों दादियां जा रही थीं और आगे से कोई गाय आ गई, उसे टक्कर लगी, रिक्शा पलट गया, तब भी दादी दोनों दादियां गिरी, प्रकाशमणि दादी भी गिरी। तो दादियों ने धर्म के धक्के बहुत खाए हैं, चोटें खा करके भी वो अपना कभी किसके आगे बोला नहीं कि हमको चोट लग गई है, हम कल सेवा में नहीं जाएंगे, आराम करेंगे। तो दादियों के जीवन में नींद का त्याग, आराम का त्याग, सुख वैभव का त्याग, दादी महान त्यागी रहीं। उन्होंने त्याग किया, बाबा को बोला बाबा हमको तो बेहद की सेवा में रहना है, हमें यह सुख, ये वैभव, ये साधन नहीं चाहिए। शायद और कोई होता आज के वर्तमान समय तो उसको लगता कि मैं तो बहुत आराम से महलों में आके रह रही हूँ और बाबा की सेवा कर रही हूँ, लेकिन नहीं, ये दादी की अपनी एक विशेषता थी।